अब मैं चाहूंगा रौनक को माइक दें, आप फागलवा सीकर से हैं, बड़ा भाई आपका ऑलरेडी दीपक आईटी में है, प्लीज रौनक बात रखें बेटा अपने। Hello. आपने भी मेरे कहने से एक्सटेंशन लिया था। मेरा नाम रौनक शर्मा है। जब जैसे मेरा 10th कंप्लीट हुआ तो मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे को वो दिक्कत महसूस नहीं होनी पड़ी कि जो कि कौन सी कोचिंग वगैरह सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरे भैया पहले से सीएलसी से सेलेक्टेड थे, तो इसमें तो मेरे को डाउट था ही नहीं कि सीएलसी बेस्ट है। और फिर मैंने अपना 11th यहाँ से स्टार्ट किया। शुरू शुरू में जैसे जो बच्चे यहाँ आईआईटी की प्रिपरेशन करने आते हैं उनको हो सकता है कि 10-15 दिन आईआईटी की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आए, जैसे मार्क्स वगैरह कम आए पहले माइनर में दूसरे माइनर में, तो उसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। जैसे आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 11th कम्प्लीट होते होते आप बिल्कुल एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। और फिर जब मेरा 12th सिलेबस कम्प्लीट होने के बाद 12th में भी टेस्ट सीरीज चलाई गई, कोरोना में भी पूरी टेस्ट सीरीज चली, लेकिन थोड़ा मैं खुद ही डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए 12th के साथ मेरा रैंक 8000 रहा। मेरे भाई के आईआईटी में होने के बावजूद भी थोड़ा सा कंफ्यूज था मैं कि दोबारा ड्रॉप लिया जाए नहीं, इसलिए मैंने बॉस से साहिल सर से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ड्रॉप ले लेना चाहिए। और अब बिल्कुल मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरा बहुत सही डिसीजन था ड्रॉप लेना। बाकी टारगेट में तो कोई दिक्कत आई नहीं। और इस बार जो हमारी टेस्ट सीरीज चली वो मई से स्टार्ट हुई थी और जून जुलाई और अभी एडवांस तक टेस्ट सीरीज चलती रही। थोड़ा सा डिफरेंस 12th की टेस्ट सीरीज़ में और टारगेट में ये था कि पहले जैसे जो हमारे टेस्ट होते थे वो थोड़े डेज़ के डिफरेंस में होते थे, ऐसे 3 दिन का डिफरेंस रहता था, लेकिन इस बार टाइम पहले से ज़्यादा था और टेस्ट सीरीज़ डेली होती थी तो बहुत सारे टेस्ट देने को मिले और लास्ट में बढ़िया रिजल्ट आया। और इस रिज़ल्ट का मेरे को खुद को और बॉस को साहिल सर को और जो स्पेशली मेरे को लगता है कि मेरे दोनों वार्डन्स मोती जी और रामस्वरूप जी उनका काफ़ी योगदान रहा है और टीम सीएलसी का और बॉस का तो है ही। थैंक यू डियर, थैंक यू।